छपरा से एक खबर वायरल हुई। खबर थी कि ईवीएम से भरी गाड़ियां पकड़ी गईं और उस गाड़ी के सहारे ईवीएम अदला बदली का खेल खेला जा रहा है। लेकिन इस खबर की सच्चाई क्या है, हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार तक आपको छपरा में अदला बदली वाली ईवीएम की वायरल खबर की सच्चाई बताने जा रहा है। दरअसल ईवीएम से भरी गाड़ी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा कर रखा है। अब इसको लेकर छपरा के जिला प्रशासनिक अमले से लेकर राजनीतिक अमलों में हड़कंप मचा हुआ है। अब इसकी पूरी सच्चाई जान लीजिए। दरअसल एक आरजेडी कार्यकर्ता द्वारा ही फोटो खींच कर वायरल किए जाने के बाद इसकी जांच खुद आरजेडी प्रत्याशी के चुनाव अभिकर्ता के साथ साथ आरजेडी प्रदेश उपाध्यक्ष के द्वारा की गई। हम लोग 4 बजे के आसपास अपराह्न 4 बजे इसी ऑफिस में बैठे हुए थे। सभी कार्यकर्ता कुछ विचार विमर्श कर रहे थे कि काउंटिंग के सिलसिले में कौन कैसे काम किया जाए। इस बीच खबर मिली स्ट्रांग रूम से कि 25-30 की संख्या में प्रशासन के लोग हो सकता है तैयारी के लिए ही अंदर गाड़ी लेके स्ट्रांग रूम में गए। तो वहाँ से जब खबर आई तो हम लोग को लगा कि एक बार जाके चेक करना चाहिए, देख लेना चाहिए स्ट्रांग रूम में क्या क्या तैयारी हो रहा है, कैसे काम चल रहा है। हम लोग यहाँ से चले। इस बीच रामनगर ढाला के पास ईवीएम से लदा हुआ एक 407 गाड़ी हम लोगों ने देखा। तो जिस तरह के माहौल है देश में और जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं ईवीएम पे, तो हम लोगों ने रोका उस गाड़ी को। उस गाड़ी को रोकने के बाद वहाँ वीडियो साहब थे, वीडियो साहब के पास कोई जवाब नहीं था ये ईवीएम कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो प्रथम दृष्टया हम लोग को शक लगा और ये लगा कि ये कहीं ना कहीं ईवीएम कहाँ जा रहा है भाई। लेकिन इस बीच कोई बड़ी घटना वहाँ ना हो जाए, कोई बड़ा ऑकरेंस ना हो जाए, काफ़ी भीड़ हो गई और वीडियो साहब और भी जो प्रशासन के वहाँ लोग थे उन पे कहीं आम आदमी कुछ गलत ना कर दे, हम लोगों ने केवल इतना पूछ के उस गाड़ी को जाने दिया। तो पता चला वो गाड़ी जा रही है ब्लॉक वेयर हाउस में। तो पहले हम लोग और जल्दीबाजी में स्ट्रांग रूम जाने लगे, वहाँ छोड़ छाड़ के और वहाँ से हटे हम लोग। नहीं तो वो और भी आम आदमी उन लोगों को कुछ ना कुछ घटना हो जाता, कोई और दूसरी बात हो जाती। जांच में यह तथ्य सामने आया कि छपरा ब्लॉक के पास स्थित ईवीएम वेयर हाउस से एलएन ब्राह्मण स्कूल में मतगणना प्रशिक्षण के लिए ले जाया गया था, जिसकी एंट्री वेयर हाउस के रजिस्टर पर भी दर्ज है। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद उन्हीं ईवीएम को वापस रखे जाने के लिए ले जाए जाने वाले रास्ते पर आरजेडी कार्यकर्ताओं द्वारा फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को वायरल कर दिया गया। देखिए कल शाम को हम लोगों को सूचना मिली कि एक पिकअप गाड़ी से कुछ ईवीएम ले जाया जा रहा है और रामनगर ढाला के पास में उसको राष्ट्रीय जनता दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने और कुछ राहगीरों ने देखा तो उसको रोका। लेकिन इस बात की जानकारी मुझे उस वक्त मिली जब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मैं तत्पर था, मुझे फ़ोन किया और उसी वक्त यह सूचना मिली कि प्रशासन के करीब करीब 15-20 गाड़ियों को लोग गए हुए हैं बजबरी। हालांकि ये दोनों बातें अलग अलग जगहों की थी। जब मैं वहाँ पर गया तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो वहाँ पर थे सेन साहब से और डीजीसी से बात की, उन लोगों ने बताया कि इस स्थान से उस मामला का कोई रिश्ता नहीं है। पीछे भी आप देखिए कि कारण है कि आपको वायरल हो रहा है, खबर है चंदौली का हो रहा है, आपको हरियाणा का हो रहा है, कई जगहों का हो रहा है। ईवीएम यहाँ से खाली हो या भरा हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जब वोट हो गया तो ईवीएम का मूवमेंट टील काउंटिंग किसी भी नेचर का होना नहीं चाहिए, इससे लोगों के बीच में कंफ्यूजन फैलता है। ईवीएम के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। मेरे विचार से जो वोट वाला ईवीएम है जो बजरी में रखा गया है वो इंटेक्ट। इस घटना की जांच के बाद आरजेडी के चुनाव अभिकर्ता द्वारा एक पत्र भी लिखकर दिया गया, जिसमें इन सभी ईवीएम को मतगणना कार्य के लिए प्रयोग में लाने की बात स्वीकार की गई है। इस पत्र पर उनके साथ ही सारण के रिटर्निंग ऑफिसर, सदर एसडीएम सहित ईवीएम कोषांग के अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। चुनाव अभिकर्ता ने इस समय ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर कार्यकर्ताओं के सक्रियता की बात कही, साथ ही खुलेआम ईवीएम नहीं ले जाने की नसीहत प्रशासन को दी। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि इस छपरा के वायरल वीडियो की सच्चाई बिहार तक ने आपको बताई है।
तो ऐसे में आपसे एक ही अपील है, अफवाहों में ना पड़े, धैर्य रखें, पूरे मामले की पड़ताल करें, फिर कोई खबर सोशल मीडिया पर किसी को भी शेयर करें। आलोक जायसवाल, छपरा, बिहार तक।